गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने हमारी फर्स्ट क्लास की थी। फंक्शन इंग्लिश का हमने सेशन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम करेंगे सेशन नंबर टू। सेशन नंबर टू हेडिंग है मेकिंग रेजोल्यूशंस। जैसे जब भी कोई न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर बनाते हैं कि इस साल तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपने आप से प्रोमिस करना। हैव यू एवर मेड ए प्रोमिस टू योर सेल्फ? क्या आपने कभी भी अपने आप से कोई प्रोमिस किया है? ए प्रोमिस कुड बी एज सिंपल एज प्रोमिस, इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे आई विल नेवर लूज़ माई टेम्पर अगेन, मैं इसके बाद कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोऊंगा। आई विल ट्राई टू स्टडी हार्ड दिस ईयर एंड गेट ए फर्स्ट डिवीज़न, मैं इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और फर्स्ट डिवीज़न लाऊँगा। आई विल टॉक लेस ऑन माई मोबाइल, मैं फ़ोन पर कम बातें करूँगा। आई विल हेल्प मदर आउट विद हर हाउस होल्ड चोर्स व्हेन सी कम्स होम टायर्ड फ्रॉम वर्क। जब मेरी मम्मी काम पे से थक के घर आएगी, मैं घर के कामों में उनकी हेल्प करूँगा। आई विल गेट 95% इन मैथ दिस ईयर, मैं इस साल मैथ्स में 95% मार्क्स लाऊँगा। आई विल लर्न टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर मैं इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीख जाऊँगा। थिंक अबाउट वट यू वुड लाइक टू प्रोमिस टू योर सेल्फ, आप इसके बारे में सोचो कि आप अपने आप से क्या प्रोमिस करना चाहते हो। दीज प्रोमिसज आर एक्चुअली वट आर नोन एज योर ओन रेजोल्यूशन, जो भी प्रोमिसज आप अपने आप से करते हो उनको रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस सेशन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में किसका यूज़ किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक विल एंड शैल डिनोट द फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन, जो वर्ड्स हैं विल और शैल, ये दिखाते हैं कि कोई भी काम है वो फ्यूचर टाइम में हो रहा है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश को अच्छे से सीखने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू सी फ्यूअर मूवीज, मैं कम मूवी देखने की कोशिश करूँगा। आई विल लर्न 3 new words एवरी डे, मैं हर रोज़ 3 नए शब्द सीखूँगा। आई विल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर 1 hour, मैं हर रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी रिग्रेट, मैं कोई पछतावा आगे लेके नहीं जाऊँगा। आई विल कीप माई रूम नीट एंड क्लीन, मैं अपने रूम को साफ़ सुथरा रखूँगा। आई विल एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी नियम और शर्तें होंगी मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा। ही विल नॉट लेट यू ज्वाइन, वो तुम्हें ज्वाइन नहीं करने देगा। बट वी विल आर्ग्यू इन योर फेवर, लेकिन हम तुम्हारे फेवर में आर्ग्यूमेंट करेंगे। नाउ कंपेयर द अबोव सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग, अब नीचे जो सेंटेंसेज दिए गए हैं उनके साथ जो सेंटेंसेज हमने अभी पढ़े हैं उन्हें कंपेयर करके देखना है। जैसे सेट बी में दिया हुआ है आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश अच्छे से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी काम किसी की हैबिट को शो करता है तो इसका मतलब वो किस में होता है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। जितने भी सेंटेंसेस अभी हमने फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़े हैं वही सेम सेंटेंसेस सेट बी के अंदर उन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दिए हुए। उसके बाद एक्सरसाइज दी गई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। नीचे जितने भी सेंटेंसेज दिए गए वो इनकम्प्लीट हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है वो। अब आपको अपने अकॉर्डिंग जो आप लाइफ में करना चाहते हो उनको अकॉर्डिंग उनको फिलअप करना है। जैसे आई प्रोमिस टू, आप अपने आप से क्या प्रोमिस करोगे? आई प्रोमिस आई विल, मैं अपने आप से वादा करता हूँ मैं ये चीज़ करूँगा। तो आपको ये सेंटेंसेज सभी अपनी नोटबुक में भी करने हैं, फिर नोटबुक के अंदर। उसके बाद असेसमेंट दी हुई है, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर जो भी सेंटेंसेस है 3 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनमें से जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। जैसे आई डिड नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता था। आई विल नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करूँगा। आई विल नॉट स्मोकिंग, आई विल नॉट स्मोक्ड, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बताना है। फर्स्ट था जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट टेंस में दिया हुआ है और आपको उसका फ्यूचर टेंस बताना है।
बाकी के बी और जो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कॉन्टिन्यूस में टेंस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन है परफेक्ट टेंस के अंदर दिया हुआ है, जो ए ऑप्शन है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही सभी क्वेश्चन हैं जो उनमें से जो सही ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है, और ये सभी अपनी फिर नोटबुक के अंदर भी करना है। सेवन सेंटेंसेस दिए गए हैं, एट्थ सॉरी, आपको यही सभी सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, इनके आंसर की मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी ऑप्शन वाइज। आज आपको ट्राई करने हैं, मैं कल, अगर आपको कोई गलत है आपको समझ नहीं आता है, कल तक मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगी। टोटल 10 सेंटेंसेस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं ये वाले, ठीक है। सेशन नंबर 3 हम कल करेंगे, तब तक आप, 2 सेशन हमारे हो चुके हैं, सेशन नंबर फर्स्ट और सेशन टू फंक्शनल इंग्लिश के दोनों सेशन की जो एक्सरसाइज है आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।